राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे 40 सांसदों की विदाई के मौके पर पीएम मोदी राज्यसभा में भाषण देते हुए सबसे पहले सांसदों के उत्तम सेवाओं और योगदान के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि वरिष्ठ सांसदों की राय और बातों का अपना अलग ही महत्व होता है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों के लिए बेशक से सदन के दरवाजे बंद हो जाएं, लेकिन पीएमओ के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए हर सांसद का योगदान है, आप सभी एक महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रिया से वंचित रह गए, इसका मलाल जरूर रहेगा, मगर अच्छा होता कि हम सारी चीजें आपकी उपस्थिति में कर पाते। आप जहां भी रहेंगे आप अपने विचारों से योगदान देंगे। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने पूर्व अडानी जनरल के पराशरण, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, हॉकी के दिग्गज दिलीप तिर्की, उप सभापति पीजे कुरियन सहित कई सेवानिवृत्त सदस्यों के विशिष्ट कार्यों का उल्लेख किया। राज्यसभा को निचले सदन का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं, पीएम मोदी ने राज्यसभा की कार्यवाही में व्यवधान पर भी खेद जताया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जो भी घटित होता है उसका राज्यसभा में अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए उनके विदाई भाषण के दौरान आई। उन्होंने कहा कि सदन में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो किसी पार्टी की विचारधारा से नहीं जुड़े हैं। यहाँ के ज्यादातर सदस्य किसी न किसी वैचारिक पृष्ठभूमि से हैं, इसलिए यह स्वाभाविक भी है कि वे सदन में अपना दृष्टिकोण स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम यह भी उम्मीद रखते हैं कि यह जरूरी नहीं कि जो भी कुछ लोकसभा में घटित होता है उसका राज्यसभा में भी अनुसरण किया जाए। मोदी ने कहा कि ऊपरी सदन का विशेष महत्व है और नीति निर्धारण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीन तलाक विधेयक के जिक्र पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेवानिवृत्त सदस्य तीन तलाक विधेयक लिए जाने के दौरान निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि तीन तलाक विधेयक देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। यदि आपने इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले में योगदान दिया होता तो बेहतर होता। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सेवानिवृत्त सदस्य अब समाज सेवा में और ज्यादा मजबूत भूमिका निभाएंगे। इनमें सभी ने अपने तरीके से योगदान दिया है। आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप ये मत मानिए कि सदन के दरवाजे बंद होने से इस पूरे परिसर के दरवाजे बंद होते हैं। आपके लिए इस परिसर के दरवाजे खुले हैं, प्रधानमंत्री का कार्यालय खुला है, देश के लिए हित में आपके मन में जब भी जो भी विचार आए आप जरूर आए, मुझे अच्छा लगेगा आपको सुनने का, आपको समझने का, और आपके विचारों को जहां भी होंगे आप योगदान देंगे, मैं उसको आगे पहुंचाने का जरूर प्रयास करूंगा। हमारे बीच में आदरणीय पराशरण जी जैसे महानुभाव जिन्होंने अपने जीवन में एक प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ एक तपस्वी जीवन भी जिया है, ऐसे लोग हमारे बीच से सदन में से हम उनको मिलाव नहीं मिलेगा। दो भारत जिनके लिए गर्व करता है ऐसे खिलाड़ी श्रीमान दिलीप जी और सचिन जी, ये दो भी आने वाले दिनों में हमारे बीच में उनका लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। प्रोफेसर कुरियन साहब को हमेशा लोग याद करेंगे, उनका हंसता हुआ चेहरा हमेशा, और सीखना चाहिए कि बात तो वही बतानी है लेकिन हंसते हुए से बतानी है, उनकी विशेषता रही और उसी के कारण संकट की घड़ी में भी सदन को ठीक से चलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। ये बात सही है कि हम में से बहुत कम लोग हैं जिसके पीछे दल और दल की विचारधारा का नाता न रहा हो, बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर हम वही लोग हैं जिनका कोई न कोई वो बैकग्राउंड है, और इसलिए स्वाभाविक है कि यहाँ पर उन बातों को प्रतिष्ठापित करने के लिए हम लोगों का प्रयास रहना बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन ये भी अपेक्षा रहती है कि जो ग्रीन हाउस में होता है वो रेड हाउस में होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। और इसलिए क्योंकि एक वरिष्ठ सदन का अपना एक महात्मा रहता है, हर एक ने अपनी अपनी उस भूमिका को निभाया है, मैं मानता हूँ शायद आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि जब आखिरी सत्र होगा तो ये विषय मैं उठाऊंगा,
मैं ऐसी तैयारी करके जाऊंगा कि जाते जाते एक बड़ा ऐतिहासिक भाषण करके जाऊं। मैं ऐसे विचार रख करके देश के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण काम के अंदर अपना योगदान दे करके जाऊं, लेकिन शायद वो सौभाग्य आप लोगों को जाते जाते नहीं मिला। और उसके लिए यहाँ की जिम्मेवारी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक हम सबकी जिम्मेवारी है कि आपको ऐसे ही जाना पड़ रहा है। अच्छा होता आप जाने से पहले कोई महत्वपूर्ण निर्णय में बहुत ही उत्तम प्रकार की भूमिका निभा करके आखिर में कोई उत्तम चीज़ें छोड़ करके जाने का अवसर मिल गया होता तो आपको एक विशेष संतोष होता। लेकिन शायद इस सदन का ही कारण रहा कि आप उस सौभाग्य से वंचित रह गए।